खुदा में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की इस प्रेयर में आप सबका स्वागत है। खुदावन फरमाता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई मीठे जल के सोते के पास ले जाता है। इन परिंदों को देखें, ना वो कुछ बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना बैंक बैलेंस रखते हैं, ना कोई चेकबुक रखते हैं, ना ही कोई एटीएम रखते हैं, लेकिन खुदावन समय समय पर अपनी मुट्ठी खोल करके उन्हें आहार दे देता है। सुबह, दोपहर, शाम उन्हें ताज़ा आहार प्रदान करता है। इसलिए खुदावन का कलाम फरमाता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अपनी सारी चिंताओं को खुदावन पर डाल दो, क्योंकि आप चिंता क्यों करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को दुआ में बदलना सीख लीजिए। आज का उन्वान यही रहेगा कि अपनी सारी चिंताओं को दुआ में बदल दीजिए। जब भी आपको चिंता सताए तो दुआ में बैठ जाइए, दुआ में लीन हो जाइए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगें, घुटनों पर आ जाएं, ताकि खुदा जो आसमानी खुदा है आपकी सारी चिंताओं को, परेशानियों को दूर करें। अब समय होता है कि आज इस सुबह की दुआ में हम सब भी लीन हो जाएं। हम दुआ मांगेंगे अपने खुदा के सामने, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार के सामने अपने घुटने टेक दीजिए, अपने सरों को झुका दीजिए, क्योंकि खुदा ने आज का खूबसूरत दिन बनाया है और आपके आगे रखा है। ये फिजाएं खुदा ने बनाई है, सूरज को खुदा ने बनाया है ताकि वो हम सब पर चमके, इन फिजाओं को बनाया है, अच्छी हवाओं को बनाया है। खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करना हमारे लिए वाजिब व मुनासिब है। खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम शुक्र अदा करने जा रहे हैं, अपने आप को दुआ में लेकर के जा रहे हैं। आसमानी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सारी बरकतों के लिए, आज की सारी आशीषों के लिए, आज के तेरे सारे रहम के लिए, आज के तेरे सारे कर्म के लिए। प्रभु, तूने आज हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, आज की सुबह देख पाए हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने नाम लेकर के बुलाया है, रात भर तूने हिफाजत की है प्रभु, दिन को भी तेरे हवाले कर देते हैं। जिस तरह रात में तूने संभाला, आज दिन को भी संभाल लेना प्रभु। परमेश्वर मन, दिन भर की आने वाली सारी रुकावटों को दूर करके अपनी पनाह में रखना, अपने हाथों में रखना। जो लोग आज सफ़र में जाने वाले हैं उनके सफ़र को पूरा करना खुदावंद, जो लोग नौकरियों पर जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं प्रभु, उनके भी साथ होना प्रभु, दिनचर्या के कामों में मददगार होना, सहायता होना। सारी अपरंपार कृपा और रहम तेरा है प्रभु। परमेश्वर महान, तू दुआओं को सुन लेता है, कबूल कर लेता है और उसी समय वो सारी बरकतें और सारी आशीषें जो हैं वो हमें अता कर देता है, ये हमारा यकीन है प्रभु। आज दिन भर साथ होना, हमें अपनी पनाह में रखना। मांगा, तूने बख्श दिया, तूने सुन लिया। तेरे इकलौते बेटे, हमारे नजाद दहिंदा सरदार कहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके वसीले से मांग लेता हूँ। आमीन। सभी मिलकर के कहें आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।